Hi students, good morning. This is KD sir from Civil Education. Today we are going to do chapter number 2, polynomials, right? Maths. So aaj jo polynomial chapter mein division method hum karne wale hain, right? So division. Okay. ये division method है क्या? डिवीजन मतलब अगर आप देखें तो अगर नॉर्मली तो आपने जो अभी तक जो स्टैंडर्ड है न्यूमेरिकल डिवीजन किया होगा, जैसे अभी है ये लीजिए 25 डिवाइडेड बाय 4. नाउ दिस इज 4 6 24, जैसे सब लोग को आता है ये 0 1 राइट. ये जो है ये है डिवीजन, ये डिवीजर बराबर, ये डिवीजर, ये है क्वेश्चन और ये है डिवाइजर, ठीक है? ये तो हमने सीखा हुआ है, राइट. अब इसका ये और एक मतलब भी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 25 = दैट इज डिविजन इज इक्वल टू डिवीजर दैट इज 6 4 × 6 क्वेश्चन प्लस डिवाइजर. आप देख लीजिए 4 6 = 24 24 + 1 = 25. तो ये सिंपल बात है. अगर यही न्यूमेरिकल डिवीजन को आप अपने एल्गोरिथम में करना है, अलजेब्रा में करना है, तो किस तरह करना है, पॉलीनोमियल्स में किस तरह डिवीजन होता है, वो आज हम सीखेंगे. तो ध्यान देना, खाली ये जो 2 मिनट्स, अगर आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सारे समझ कर सकते हो, राइट. लेट्स स्टार्ट. Example 6, divide 2x² + 3x + 1 by x plus 2. Okay, now yahan pe dhyan dijiye, 2x² + 3x + 1 ko divide karna hai x plus 2 se. मतलब हमको दो चीज दिया है, कौन सा है? डिविडेंड दिया है और डिविजन दिया है. अब हमें ढूंढना क्या है? एक क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है कि नहीं, वो देखना है. लेट्स स्टार्ट. अब ये मेथड बहुत सिंपल होगा, ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स नहीं बोलूंगा, आपको इजीली समझ पड़े वैसा ट्राई करूंगा, राइट. तो आप जरा ध्यान से सुनना. पहला, आपको सबसे पहले जैसा आप न्यूमेरिकल में करते हैं वैसे लिख दीजिए, 2x² + 3x + 1, राइट. अब डिवीजन को यहाँ लिख दीजिए x plus 2. यहाँ अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डिवीजन का फर्स्ट टर्म, इसको हम यहाँ फर्स्ट टर्म बोलते हैं डिविडन का. ये दोनों को कंपेयर कीजिए, ये दोनों को हमको इक्वलाइज करना है. हमारा जो सबसे मेन मोटो ये होगा कि डिविडन में पहले टर्म को टर्मिनेट करना है, मतलब एलिमिनेट करना है. और एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे वही का वही वैसे टर्म आना चाहिए, और वो नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आएगा. तो अभी हमको पता कैसे चलेगा कि किससे? एक तो आप जरा देख लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x² है, बराबर. तो ये 2x² में से एक x चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 2x से मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे अलग डिवाइड करके देख लो, नीचे है x, 2x² को x से डिवाइड कर दो. अब ये 2x² अगर आपको ऐसा कटिंग भी नहीं आता है तो आप दूसरा लिख भी ले सकते, 2 × x × x, नीचे एक x कट हो गया, क्या बाकी रहा? 2x बाकी रहा, बस इससे मल्टीप्लाई करना है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे लोगों को फर्स्ट स्टेप में है, और जिन लोगों का थोड़ा सा मैथ्स वीक है उनके लिए ये मेथड इजी रहेगा. जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा आप खुद करने लगोगे, तो नो टेंशन. ओके, लेट्स, यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2x यहाँ डाल दीजिए, 2x को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है. वापस बोल रहा हूं, 2x को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x × x क्या आएगा? 2x², 2x × 2, यहां पे प्लस है तो प्लस डाल दो, 2x × 2 क्या आएगा सर? 4x. ओके, थोड़ा सा साइन शो कीजिए सो दैट हमको साइन चेंज करना है. डिवीजन में हमें हमेशा माइनस साइन वाला है, ये साइन यहां पे हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो ये माइनस, यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा.
अब ये माइनस साइन बिलोंग्स टू ओनली दिस 2x स्क्वायर नॉट एट द अबव। वापस बोल रहा हूं, ये माइनस साइन जो है सिर्फ नीचे वाले का चिन्ह है, ऊपर वाले का नहीं। तो यहां पे प्लस 4x क्या हो गया, अभी माइनस 4x हो गया। तो पहले देखिए कट हो गया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया। अब 3x - 4x, 3x - 4x आपको नहीं पा रहा है, लिख के देखो, कोई टेंशन नहीं। 3x - 4x ऑपोजिट साइन है तो सबट्रैक्शन करने का है, ऑपोजिट साइन मतलब ऑलवेज सबट्रैक्शन। सबट्रैक्ट कर दो, 3 में से 4 जाएगा, तो 4 में से 3 क्या, तो 1 मतलब 1x। अब 1x में दो नंबर में साइन किसका बड़ा है, 4 का बड़ा है, तो वहां माइनस है, तो यहां पे आएगा -1x, राइट, दिस इज -1x, -1x भी लिख सकते हैं या तो x भी लिख सकते हैं, तो दिस इज -x। अब ये -x है, यहां पे क्या है +1, नीचे उतार दो x वाला, राइट। अब ये +1 नीचे उतार दिया, अब क्या करना है, फिर से दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन आप बोलोगे सेम है, यस सेम है, राइट, लेकिन यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन है। अब मुझे सेम बनाना है, यहां पे मुझे माइनस करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, -1, तो यहां पे आप डाल दीजिए -1, समझ गए सब लोग। ये देखिए -1 * -x, -1 * 2 -2, यहां पे टेन करते हैं, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये कट हो गया और यहां बन जाएगा +3, राइट। दिस +3 इज योर rx, दैट इज रिमाइंडर। पॉलीनोमियल में हम लोग x बाजू में डालेंगे, क्योंकि पॉलीनोमियल को बताता है r of x, g of x, q of x और p of x, तो ये आपको मिल गया rx, और दिस वे ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका g of x। क्वेश्चन को हम लिखेंगे g of x, ये आपका है डिवीजन, डिवीजन को हम क्या लिखेंगे, हम लोग ये क्वेश्चन को हम लिखेंगे q of x, डिवीजन को हम लिखेंगे g of x, और ये पॉलीनोमियल को लिखेंगे p of x। अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट, ये p of x, g of x, q of x और r of x, इस तरह हमको अब इसको कंपेयर करना है। लेट अस सी, जैसे हम लोग सब में कंपेयर किया वैसे सब में कंपेयर करते हैं। अब ये कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये हमने लिखा p of x, फॉर्मूला लिख दो, p of x = g of x q of x plus r of x, ये लिखा हमने, और उसके बाद आपको ये सारे लिख देने हैं। p of x क्या था, 2x square plus 3x plus 1 = right, x plus 2 multiply है तो bracket करना भूलना नहीं, x plus 2 multiply by 2x minus 1, rx क्या आता था, 3, ये आपका आंसर है। This is the division method, I hope you understood, यहां तक आपको verify करके छोड़ देना है, okay, चलो अब next सवाल, okay students, अब example number 9 करते हैं। आप लोगों को बता दूं ये example important है, इस पे ध्यान दीजिए, ये board exam में पूछा जा सकता है, right, so this is important one, so do it for 2-3 times so that you get good practice। अब पहले हम देख लेते हैं, चलो find all the zeros of 2x4 minus 3x2 minus 3x2 plus 6x minus 2 if you know that the two of these zeros are root 2 and minus root 2। इसका मतलब ये है कि already दो root, तो उसके दो roots दिए हुए हैं, तो अभी और बाकी कितने roots हो सकते हैं, totally इस polynomial के कितने roots होते हैं division method से, वो find out करना है। Let us start now। पहले ये root 2 है, ये जो है आपका जो रूट्स दिया है उसको किस तरह लिखना है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, राइट, रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द रूट्स, देयरफॉर x प्लस रूट 2 x माइनस, ये कैसे आया मैं बताता हूं। पहले तो आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, बराबर है, तो ये क्या आएगा सर, x माइनस रूट 2 और x प्लस, समझ पड़ा आप लोग को, राइट, x minus root 2, x plus root 2 is equal to 0 डाल दीजिए, right? अच्छा ये इसको अगर नहीं डालेंगे तो अभी direct multiply कर दीजिए, ये आपको क्या मिलेगा, x square a plus b a minus b, मैंने आप लोग को बार बार बताया हुआ है, this is very important formula, a plus b a minus b, a plus b a minus b, a square minus b square, तो x का तो square हो जाएगा, root 2 का क्या हो जाएगा, minus root 2 का whole square क्या हो जाएगा, बताइए, root 2 का square हो जाएगा 2, अब ये जो बच्चों को नहीं समझ पड़ता हूं बता देता हूं, root 2 into root 2 always gives 2, root 3 into root 3 always gives 3, तो ये याद रखना आपको, बराबर है।
और ये कैसे आया वो भी बता देता हूँ हम लोग को, रूट टू का स्क्वायर ऐसा लिखते हैं हम लोग, राइट। रूट टू का स्क्वायर का मतलब है टू वन अपॉन टू इंटू टू, ये क्या गया रूट टू का हम लोग सिंबॉलिक लेते हैं वन अपॉन टू लिखते हैं, ये टू टू कट हो जाता है ये टू, इस तरह टू आया है। ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं पड़ा, ओके बेसिकली बेसिक से सिखा रहा हूँ सो दैट सारे बच्चों को समझ पड़े, मेरा पर्पस वही है, ओके। अब ये इसको रब कर देते हैं, ओके। नाउ x स्क्वायर माइनस टू इज दी डिवीजन, राइट। तो लेट्स डू द सम, आपके पास p x है, p of x दी है और x स्क्वायर माइनस टू हमारा क्या हो गया g of x हो गया, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट, टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये लिख दिया हमने, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ लिख दीजिए, ओके। वापस पहला वाला है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आएगा देख लीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिवीजन वाला मेथड फॉलो कीजिए। पहले एक्स स्क्वायर इधर दिया है या फिर टू एक्स फोर दिया है, क्या ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। चलो पहला वाला यहाँ पे लिख लीजिए 2x4 upon x square, ओके। आपको ये इस तरह कट करते आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो और x square मोड में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीखने आए हैं, ओके। सबको सीखना है, 1 2 3 4 लिख दीजिए नीचे, 1 into 2 जो कट हो गया, राइट। क्या बचा था 2x square, ये आपको आइडिया आ गया। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट करो, सीख रहा है मैथ्स को अच्छा बना रहा है तो दिस इज द वे ही होगा, राइट, ओके। 2x स्क्वायर यहां पे लिख दीजिए, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर दिस विल गिव 2x4, 2x स्क्वायर माइनस 2 दैट विल गिव माइनस 4x स्क्वायर, राइट। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, थोड़ी जगह छोड़िए साइन चेंज कर देते हैं हमेशा, थोड़ी जगह छोड़िए, बच्चे लोग यहां पास में लिखते हैं उससे क्या होगा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस साइन, दिस गेट कट्स, राइट। अब माइनस 3x क्यूब यहां पे है, यहां पे तो स्क्वायर है, अब क्या करेंगे, बहुत सारे स्कूल में यहां पे 0x स्क्वायर x क्यूब लिखते हैं, लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी आपको देखना है, यहां पे x क्यूब है, लाइक टर्म के साथ ही प्लस माइनस होगा, याद रखना आप लोग हमेशा अलजेब्रा में लाइक टर्म के साथ ही, मतलब 4x + 3x ये 7x हो सकता है, 4x + 3x स्क्वायर कभी 7x स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं, तो यहां पे लाइक टर्म नहीं है, तो आपको ये जो -3x क्यूब है उसे नीचे ऐसे ही उतारना है। मैंने लास्ट टर्म में भी बताया था आप लोगों को कि इसका साइन कभी चेंज नहीं होता है, हम जो माइनस करते हैं वो सिर्फ नीचे वाले टर्म के लिए, तो दिस विल बिकम -3x क्यूब, ऐसे कैसे नीचे उतारा है, यहां पे है -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, लास्ट टर्म जैसे आया है -3x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, तो अभी क्या हो जाएगा प्लस बड़ा है यहां पे तो आंसर आएगा 1x स्क्वायर, दैट इज वी कैन राइट x स्क्वायर, ओके। प्लस 3x और -2 इसको नीचे उतार दीजिए, चलो कंपैरिजन वापस x स्क्वायर -3x क्यूब, लेट अस सी -3x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड, ये x स्क्वायर चला जाएगा तो एक x बचेगा -3x दैट इज यहां पे -3x डाल दीजिए। हमेशा एक बात देखना, ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस कम है, तो आपको डायरेक्ट करने की कोशिश अभी मत करो, राइट, ओके। -3x से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा -3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 6x, यहां भी ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, अब ये तो कट हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से, यहां पे देखिए x स्क्वायर यहां पे नीचे x स्क्वायर नहीं है उसे ऐसे ही उतार दीजिए, राइट, लाइक टर्म्स तो प्लस x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर यहां लीजिए, यहां पे प्लस 6x माइनस 6x ये भी कट हो गया, ओके तो माइनस 2 ऐसे उतार दीजिए, राइट। देखिए सेम टू सेम आया है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो जब दोनों सेम है तो आपको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ट्राई कर लो तो कर लीजिए x स्क्वायर / x स्क्वायर 1 आया कि नहीं, तो इसलिए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 से वैसे ही लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस दिस दोनों एलिमिनेट हो गया, दैट इज r ऑफ x क्या आ गया 0, r ऑफ x क्या आया 0 और ये आपका सम आया है। अब इसको हमें लिखना है स्टेटमेंट के मदद से, बराबर इक्वेशन के मदद से, ओके। p of x क्या था हमारा 2
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस टू ओके और अभी हमको क्यू एफ एक्स दैट इज क्वेश्चन क्या मिला 2x square minus 3x plus 1 मिला था और r of x जो था वो 0 है तो आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए ओके अब ऑलरेडी हम लोग को root 2 minus root 2 जो roots है वो दिए हुए हैं अब बाकी roots कौन से हैं वो find out करना है right तो वो जो है हमको जो q of x मिला है उसका factorization करो this is your answer already but they have asked you to find out the other roots when they have said other roots means you have to factorize this one तो so let's 2x square right 2x is equal to 2x square minus 3x plus 1. Okay, 2x square minus 3x plus 1. ये क्या हो जाएगा? Splitting of middle term. लेकिन आपको पहले से वापस सिखा देता हूँ. 2 और 1 को multiply करो. First term और last term को 2 1 2. अब ये 2 को किस तरह plus minus करेंगे? एक हमको middle term आएगा. Yes. देखिए minus 2 minus 1. अगर multiply करेंगे तो plus 2 आएगा. लेकिन अगर वही प्लस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा आगे दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लेट अस स्टार्ट 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस x प्लस 1 दैट इज 2x कॉमन ले लो x माइनस 1 यहां पे माइनस 1 कॉमन लेना है क्योंकि हमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 लेना है दैट इज x माइनस 1 2x माइनस 1 बराबर अब इसका इज इक्वल टू 0 डाल दो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 और x is equal to 1 upon 2 ये दूसरे दो roots जो हमको ढूंढने वो मिल गए हैं therefore यहाँ पे आंसर लिख दीजिए therefore the roots of the given polynomial are root 2 minus root 2 फिर उसके बाद कौन सा आया था 1 and minus 2 1 and minus and 1 upon 2 this is our answer okay I hope you understood thoda important sa hai ise ek do baar dekhiyega right to aapko samajh padega aur agar aapko nahi samajh pada please comments mein likhiye right send it to me I will try to explain it again